राजस्थान में ना कानून है ना व्यवस्थाएं हैं। मुख्यमंत्री जी ने 4.5 वर्ष तक राजस्थान को पूर्णकालिक गृह मंत्री नहीं दिया। पुलिस की लापरवाही और पुलिस का टूटते इकबाल के कांड से भरतपुर की घटना ने अंजाम लिया। पुलिस की कस्टडी में 6-6 गार्ड की कस्टडी में रोडवेज की बस में दुर्दांत अपराधी को लेकर पुलिस आए और फिर उसकी हत्या हो जाई। ये लापरवाही, घोर लापरवाही है। जब इस प्रकार की थ्रेट थी तो पुलिस ने बंदोबस्त क्यों नहीं किया, क्यों नहीं विशेष गाड़ी में लेकर आए। ये भरतपुर ही नहीं, पूरे राजस्थान की कहानी है। रोज पुलिस की पिटाई हो रही है, कभी बजरी माफियाओं के हाथ में, कभी खनन माफियाओं के हाथ में, कभी शराब माफियाओं के हाथों से रक्षक भक्षक बन जाते हैं। और सरकार की सरपरस्ती के अंदर इन 200 बने हुए मिनी मुख्यमंत्रियों ने जिस प्रकार नए काबिलियत के लोगों को फील्ड में लगा रखा, उसी का परिणाम है कि राजस्थान में भरतपुर जैसे दुर्दांत अपराधी और सरेआम गोली चलाकर उड़ा देने वाले इस गैंग और गैंगस्टर इतने सक्रिय हैं। ये सरकार के माथे पर बदनुमा दाग है। भरतपुर के कांड को विधानसभा में उठाएंगे। भरतपुर में पहला नहीं, कभी कभी सरेराहा डॉक्टर दंपति को सरेराम जला के मार दिया जाता है, कभी कृपाल सिंह जगीना की सरेराहा ऐलान करके हत्या होती है। और अब कुल ये लगता है कि ये वही भरतपुर है जहां खनन माफियों के कांड से कृष्ण क्रीड़ा स्थली खुदती चली गई और विजयदास को, महात्मा विजयदास को आत्महत्या करनी पड़ी। पुलिस का इकबाल पूर्णतः टूट चुका है। वही भरतपुर जहां का डीआईजी का दलाल प्रमोद शर्मा रंगे हाथों सारे कोतवाल और उसे पैसा लेते हुए पकड़ा जाता है, पर डीआईजी बेदाग निकल जाते हैं, ये वही भरतपुर है। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।